निशंक जी कहें सर, वो यूरोपीय यूनियन संसद में हिंदुओं को कट्टरवादी और मणिपुर में ईसाई की बढ़ती इनसिक्योरिटी और कहे कि भारत में अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक इनसिक्योर उन पर चर्चा हुई प्रांत में वही शांति, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ का नेता दब्बू है, यहाँ का नेता अपनी वाहवाही के लिए अपने देश को बेच सकता है, यहाँ का नेता हमारे साथ फोटो अप करने के लिए अपनी जनता को ठोकर मार सकता है। वो जानते हैं गांधी टू मोदी, यहाँ का नेता यूरोप अमेरिका का सर्टिफिकेट लेने के लिए एकदम मानसिक रूप के दिवालेपन के स्तर पर पहुंच जाता है। इसलिए वो मैतेइयों जो मैतेई के साथ हो रहा है उसको उसकी जरा भी चर्चा नहीं, अपने कुकी ईसाइयों को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं। वो जानते हैं कि यहाँ का नेता अपने हिंदू जनता के साथ नहीं खड़ा होता तो उसको जितना हम रपेटेंगे वो उतना हमारे दबाव में आएगा। तो सही बात है, फ्रांस फ्रांस पे क्यों बोलेंगे, ताकतवर देश जो है हमारे बिहार में एक कहावत है, कमजोर की लुगाई सबकी भौजाई। तो भारत का जो नेता महात्मा टू मोदी, उनका वो स्थिति यूरोप और अमेरिका समझ गया है, इसलिए उनके साथ वही बर्ताव करता रहा है कि ये हमसे सर्टिफिकेट लेने के लिए एकदम किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपने देश अपने धर्म अपनी जनता से द्रोह कर सकते हैं। इसीलिए वो इनके दिमाग से खेलते हैं, दो रिपोर्ट जारी करते हैं, उसकी सफाई ये पेश करते हैं और कुछ, और उसके साथ फोटो अप करते हैं, हाथ ऐसे ऐसे मिलाते हैं, काम खत्म। वो हम पर वो हमारे लिए यूपी यूनियन जो है संसद में पास करती है, चीन हमारा जमीन हड़प लेता है, सबसे ज्यादा कर्जदार हम बनते जा रहे हैं, अमेरिका ऑटोग्राफ करावा के डिफेंस डील कर लेता है और हम दांते नहीं पोड़ते हमारा नेताजी ऐसा है। असल में यहाँ की जनता के अंदर में भी वो कुंठा भाव है, तो इसलिए वो अमेरिका और यूरोप से अपने आप को आईना जो है उसको सर्टिफाई करना चाहता है, यूरोप और अमेरिका के आईने से खुद को देखना चाहता है। और जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा शासक वैसी प्रजा, शासक का वही रवैया है, प्रजा का भी वही रवैया हो गया। शासक आ गया अपने पांव पर भारत को खड़ा करने वाला, यूरोपीय यूनियन ने अभी किया, यूरोपीय यूनियन के विरुद्ध अभी अपने संसद में पास कर देता कि तुम लोगों ने जो धर्मांतरण के धंधे चला रखे हैं वो धंधे भारत में बंद होंगे, और भारत का संविधान जबरदस्ती धर्मांतरण की अनुमति नहीं देता। अभी इनकी नानी मर जाएगी, भारत इतना बड़ा मार्केट है, रोने लगेंगे ये, लेकिन ये तो वहां जाके कहेंगे नहीं नहीं सफाई देंगे। तो ताकतवर की पूछ दुनिया में होती है, कमजोर की पूछ नहीं होती।